हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोफ्लेक एकेडमी। यूपी पीजीटी का सिलेबस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा, उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री करा, उसके बाद अब थर्ड चैप्टर उसमें है एल्केन एल्काइन एल्केन वाला, हमने हाइड्रोकार्बन वाला सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद आपको सिलेबस में हेडिंग लिखी हुई है एल्काइल हैलाइड, तो अब हम एल्काइल हैलाइड स्टार्ट करते हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पिछले सारे पुराने चैप्टर्स आप पढ़ लो और सीक्वेंस में पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि कभी भी कहीं से भी चक आ रहा है, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में ऐसी हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया, तो मैं उनको बोल दूँगी कि हमने ये लास्ट चैप्टर में किया, तो फिर लास्ट चैप्टर में अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सिलेबस अगर बना है तो कुछ सोच समझ के बना होगा, किस सीक्वेंस में बनाया है उन लोगों ने, तो इसीलिए आपको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनको पहले पढ़ना है, उसके बाद इस पर मूव करना है, ठीक है। तो हम एल्काइल हैलाइड स्टार्ट करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन में, तो आपको एक तो कॉमन दिख रहा है एल्काइल, तो इसमें आपके पास एक एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। देखो, अब हमें पता है कि एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्केन होता है। अगर CnH2n+2 है तो एल्केन होता है, CnH2n है तो एल्कीन होता है, CnH2n-2 है तो एल्काइन होता है। उसी तरीके से अगर CnH2n+1 है तो इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसको हम R डॉट से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसकी एक वैलेंसी फ्री होती है। इसको आप किसी के भी साथ जोड़ सकते हो, मोनोवैलेंट एटम के साथ, इसको आप किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ जोड़ सकते हो इस एल्काइल ग्रुप को, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री होती है, इसलिए हम इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो, और हेलो एल्केन्स, तो हेलो मतलब एल्काइल, तो ये रहा, और इसके साथ एक हैलाइड, तो मतलब कि कोई भी एक्स होगा और हम इसको इससे जोड़ देंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। मतलब ये हमने एक एल्काइल ग्रुप लिया, एक हैलाइड लिया, एक हेलोजन लिया, और जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास निकल के आया एल्काइल हैलाइड। You got it? देखो, तो इस तरीके से ये चैप्टर मैंने, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें होता क्या है, एक एल्काइल ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, उसके बाद एक हैलोजन होता है, जब हम दोनों को अटैच कर दें तो वो बन जाता है एल्काइल हैलाइड। बस इतना ही है इसमें, मतलब डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। देखो, नॉमेनक्लेचर में क्या है, जैसे मैंने, अगर ये CH4 है, ठीक है, इस CH4 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। अब ये मीथेन था, तो इससे मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इसका पहले एल्काइल ग्रुप बनाया, तो मैं मीथेन का क्या बना लूँगी, मिथाइल बना लूँगी। जैसे एल्केन का एल्काइल बनाया था, वैसे मैं मीथेन का मिथाइल बना लूँगी, और क्लोरीन एज अ Cl नेगेटिव लगा, इसलिए हम इसको क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका कॉमन नाम बन गया मिथाइल क्लोराइड। अगर आप इसको फिर से इसकी रिएक्शन CH3Cl और फिर से एक और क्लोरीन अटैच कर दो हाइड्रोजन हटा के, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, CH2Cl2। तो यहाँ दो मिथाइल हो गए, तो आप क्या लिखो, दो क्लोराइड हो गए, तो डाई क्लोरो मीथेन, ठीक है, इस तरीके से इनका नाम है। अगर हम जैसे इसको मैं लिखती हूँ CH3, CH2, CH, यहाँ पे Br, तो देखो 1, 2, 3 तीन कार्बन है, मतलब हमने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा है, सेकेंड पोजीशन पे लगा है, कौन लगा है, ब्रोमो लगा है, तो मैं क्या लिखूँगी, 2-bromo-propane, मतलब ये प्रोपेन की चेन तो है, लेकिन ऐसा है
कि इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसका अगर मैं कॉमन नाम लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या लिखूंगी, प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन इसमें पोजीशन स्पेसिफाई नहीं है कि हम कौन से पोजीशन पे लगा है, इसलिए हम इस IUPAC नॉमिनक्लेचर का यूज़ करते हैं। उसमें एकदम एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो इसका नॉमिनक्लेचर था। कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स में मैं लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से एल्काइल हैलाइड हैं। जैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करें, ठीक है, यहाँ मैं ब्रोमीन लगा दूँ, यहाँ मैं ब्रोमीन लगा दूँ, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 2, 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरीके से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम नेमिंग करना पहले ही सीख चुके हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमिनक्लेचर ही पढ़ा था, तो इसलिए वो तो अब पूरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको पता है कार्बन है, कार्बन से एक बॉन्ड से कौन जुड़ा है, हैलाइड जुड़ा है एक बॉन्ड, और यहाँ पे या तो कुछ हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ पे CH3X का स्ट्रक्चर देखूँ, या फिर मैं यहाँ CH3Cl का स्ट्रक्चर देखूँ, तो यहाँ Cl है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इस तरीके से लगा हुआ है। तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो चार बॉन्ड उसने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब कि वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम क्यों, हमें पता है ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो मैं इसको वेज से दिखा सकती हूँ और इसको डैश से दिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से ये कैसा शेप होता है इसका, टेट्राहेड्रल होता है। और हर इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 109 का एंगल होता है। सबके बीच में जो एंगल होता है वो 109 degree 28 minute का एंगल होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात हम पहले ही कर चुके हैं बहुत, क्योंकि स्टीरियो भी हमने ख़त्म कर दिया है, तो उसमें भी आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने बताया था। कार्बन पे अगर चार वैलेंसीज होती हैं तो वो टेट्राहेड्रल बनाता है। उसके बाद आप देखो, एक चीज क्या कि मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिखा और मिथाइल आयोडाइड लिखा, ये चार चीज़ें लिखी मैंने। अब इन चार चीज़ों में मुझे ये बताना है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, और डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव इस पे होगा और पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे होगा। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लस से नेगेटिव की तरफ होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन टू हेलोजन। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगी, कार्बन टू हेलोजन। अब एक बहुत फेमस सा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये कि आपको ये बताना है कि CH3Cl और CH3F मतलब मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो डाइपोल मोमेंट आप जल्दी से अब बताओ कि किसका ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, CH3F में और CH3Cl में। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि CH3F का ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट CH3F का होना चाहिए। ठीक है, उन लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ देखो, चार्ज दोनों में -1 -1 है, लेकिन जब हम यहाँ से कार्बन, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है,
ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है कार्बन और क्लोरीन के बीच की, जो डिस्टेंस है वो क्लोरीन के बड़े साइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। बड़ा साइज होगा तो मतलब बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ने से ये डिस्टेंस वाला फैक्टर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है इस वाले फैक्टर के, चार्ज वाले फैक्टर के ऊपर, कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो CH3Cl का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CH3F। यहाँ ये मत सोच लेना कि ये बड़ा साइज है तो ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे ना, तो वो जितना दूर बड़ा होगा उतनी दूर से ओवरलैप करेगा, इसलिए ये बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आ जाएंगे, वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स। इनसे हम कैसे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। जो हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ना, जहाँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्काइल हैलाइड बन रहा था, वो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये नहीं कि इसको ऐसे ही उड़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इसको वहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ कि अगर एक बार आपने रिएक्शन वहाँ याद कर ली है तो आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्केन से बनाते हैं, फ्रॉम एल्केन। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो आपको पता है, आपको याद होगा, जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे तो हमने हैलोजिनेशन किया था, और हैलोजिनेशन हमने सनलाइट की प्रेजेंस में किया था। वो जो टर्मिनेशन प्रोपोगेशन वाली स्टेप हुई थी, वो सारी स्टेप्स हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं CH4 पे सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में क्लोरीन एटम की रिएक्शन कराऊँ तो वो CH3Cl+HCl देता है, ठीक है। इस तरीके से ये फर्दर अगर आप इसको आगे और ज़्यादा हीट और लाइट क्लोरीन एटम की प्रेजेंस में कराओ तो ये आपको CH2Cl2, ऐसे करके आप कार्बन टेट्राक्लोराइड तक जा सकते हो। ये रिएक्शन हमने की हुई है, तो इस तरीके से हैलोजिनेशन करके आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। एल्केन्स का हैलोजिनेशन करके आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। इसमें देखो कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो हाइड्रोजन हट रहा है। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है इसलिए ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। और ये जो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है? रेडिकल मैकेनिज्म फॉलोज रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है? रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, डाई हैलोजिनेटेड बनेगा, ट्राई हैलोजिनेटेड बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन पे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे
इसकी कंसंट्रेशन हाई ली, किसकी कंसंट्रेशन, आपने CH4 की कंसंट्रेशन हाई ली और Cl2 की कंसंट्रेशन लो ली, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। लेकिन अगर आपने इसकी Cl2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले ली और CH4 की कंसंट्रेशन कम ली, तो आपके पास CH2Cl2 या फिर CHCl3 या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे कि आपने कंसंट्रेशन कैसे ली। अगर आप कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं क्लोरीन की, तो आपको मतलब हायर हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, और अगर आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम लेते हो तो आपको लोअर हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो एक और चीज़, जो अगर मैं ऐसे करती हूँ, कैसे, मैंने एक लिया यहाँ पे CH3CH2CH3, ठीक है, ये ली। इसके बाद मैं इसमें क्लोरीन की अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ, ये सब चीज़ें मैं इसलिए मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग से मैं लिखवा दे रही हूँ ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना। बस याद करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो मैं नहीं कर सकती, सॉरी। अगर मैं इसमें लाइट लेती हूँ, ठीक है, तो क्लोरीन का क्या सीन है, क्लोरीन क्या करेगी, CH3Cl CH CH3, ये प्रोडक्ट भी बना सकती है, मतलब इस पोजीशन पे भी हैलोजनेशन हो सकता है, और CH3CH2CH2Cl, मतलब इस पोजीशन पे भी हैलोजनेशन हो सकता है, दोनों पोजीशन पे हो सकता है। आप कोई कहेगा इधर करवा दो, तो मैं इधर ही करवाऊंगी, तो वही बात है जो मैंने उधर करवाया, मतलब इस ये दोनों तो यहाँ से तो सिमेट्रिकल है ना। अगर मैं इधर भी करवाऊंगी तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा CH3CH2CH2Cl, वही प्रोडक्ट बनेगा जो उधर बना है, ठीक है, ये दोनों सेम साइड। तो इस तरीके से क्लोरीन जो है वो दोनों तरफ हैलोजनेशन कर सकती है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 40% ये वाला, सॉरी 60% ये वाला और 40% ये वाला, मतलब इनका 40-60 का या फिर कभी कभी इक्वल 50-50 का रेशो भी रहता है। लेकिन सेम अगर मैं इस पर ब्रोमिनेशन करवा दूँ, Br2 की रिएक्शन अगर मैं इस पर करा दूँ, तो वो 90% सेलेक्टिव प्रोडक्ट देती है, और वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये वाला, जहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये जो है वो अप्रोक्स 95% यही वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, 5 हाँ ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ मतलब एक दूसरे कलर की पेन से लिख लो कि ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव इन नेचर, ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव इन नेचर। तो इस तरीके से आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस किस तरीके से एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हो।